हम आज कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम देशों में है भी, भारत में इसका कोई केस नहीं है। और इंसिडेंटली भारत में आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो पिछले 551 दिन के 551 डेज के सबसे कम केस रिकॉर्ड किए गए, केवल 6,990। तो क्या हम किसी फॉल्स कॉम्प्लेसेंसी में जी रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में एक किस्म का खतरा आ रहा है, भारत में हमें लग रहा है खतरा धीरे धीरे घट रहा है। तो हम क्या जानते हैं, अगर मैं शुरुआत कर सकूं डॉक्टर रावत आपसे, इस नए ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में भारत के लिहाज से कितना घातक और खतरनाक हो सकता है? सौरभ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। और ये जो वायरस है अभी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ये पहले पाया गया साउथ अफ्रीका में, और इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज लगी कि म्यूटेशन वायरस में 50 से ज्यादा हुए हैं, और जो स्पाइक प्रोटीन रीजन होता है वहां पर ये 30 म्यूटेशन हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी इस वायरस को वायरस ऑफ कंसर्न घोषित किया गया WHO ने। ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ होगा कि इतनी जल्दी उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वेरिएंट ऑफ कंसर्न देते हैं नाम। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने के लिए वायरस में ट्रांसमिशन ज्यादा होना चाहिए, विरुलेंस भी होना चाहिए। विरुलेंस का अभी हमें पता नहीं है कि इस वायरस का विरुलेंस कितना ज्यादा है। डॉक्टर साहब, विरुलेंस का मतलब भी समझा दीजिए। विरुलेंस का मतलब ये ज्यादा गंभीर बीमारी करेगा। ये है, विरुलेंस का मतलब ये है इन्फेक्शन जो हो वो सीरियस लेवल के इन्फेक्शन हो। और दूसरा, तीसरी चीज होती है इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, जहां पर की एंटीबॉडीज की एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो साउथ अफ्रीका के जो मेडिकल एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद बोला है कि जितने भी पेशेंट हैं अभी साउथ अफ्रीका में, किसी में सीरियस इंफेक्शन नहीं हुआ है। तो अभी यह है कि हमें सतर्क रहना है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराना या पैनिक नहीं होना है। नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में हमें इस वायरस के बारे में ज्यादा मालूम चलेगा, लेकिन वही है हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो थोड़ा ढीला हो गया था अपने कंट्री में, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। घर से बाहर निकले मास्क लगाइए, नाक और मुंह दोनों कवर करने चाहिए, सैनिटाइजर या हाथ वॉश रेगुलरली करिए, 6 गज की दूरी रखिए। वैक्सीन अगर आपने नहीं ली है, अभी भी 10-15 करोड़ हमारे लोग बाग हैं जिनका फर्स्ट डोज लगा है, सेकेंड डोज में वो हिचकिचा रहे हैं, उन्हें तुरंत वैक्सीन लेनी चाहिए। और जहां पर भी कोई भी कोरोना केस होता है उसकी जीनोम सीक्वेंस होनी चाहिए देखने के लिए ये नया वायरस तो नहीं है, और टेस्ट ट्रैक ट्रीट और आइसोलेट ये बहुत जरूरी हमें करना है। ये सारे वो सबक हैं जो हमने सीखे हुए थे, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना बहुत ढीला, आपने कहा थोड़ा ढीला, मैं कहता हूँ बहुत ढीला पड़ गया है। अब आप दिल्ली में बाहर निकलिए तो मास्क लगाए वो आदमी बेवकूफ लगता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने मास्क नहीं लगाए हुए होते। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों को ये याद दिलाना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में। अब अगर डॉक्टर नारायण आपके पास मैं आ सकूं, क्योंकि यूके में ये केस डिटेक्ट किया गया है, हम लोग लगातार कुछ सवाल भी चला रहे हैं आम सब बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स वो समझ पाए कि आपको किस सवाल का उत्तर मिल रहा है। तो पहला सवाल हमारा ये था कि क्या ये सबसे अभी तक का खतरनाक वेरिएंट है, क्या आप इससे सहमत हैं डॉक्टर नारायण? जी शुक्रिया सौरभ। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे पास इस वायरस के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, क्योंकि अभी हफ्ता 10 दिन ही हुआ जब से पता चला इस वायरस के बारे में, इस वेरिएंट के बारे में। जहां तक जानकारी मिली साउथ अफ्रीका से, ये जो वायरस है बहुत ही हल्का डिजीज अभी कॉज कर रहा, लेकिन ऑब्वियसली जैसा डॉक्टर रावत ने बताया कि बहुत तेजी से फैल सकता है। तो जरूरी है कि हम अपना जो प्रिकॉशन है उसको अपना मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जो बात हो रही थी उसको जारी रखें। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के हिसाब से जो सबसे जरूरी बात हमारे हिसाब से ये है कि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे आए, लोग सेकेंड डोज लें, और जिनको जरूरत है उनको थर्ड डोज भी पड़ना चाहिए। क्योंकि आप समझे कि मैक्सिमम रिसर्च अब आ गया है कि 2 डोज सिर्फ आपके 6 महीने तक ही वैलिडिटी रहती है। आप समझे कि 30% लोगों को यूके में बूस्टर डोज पड़ चुका है।
फर्स्ट डोज 90% लोगों को, सेकेंड डोज 80% लोगों को और बूस्टर डोज 30% लोगों को पड़ चुका है। उसके बावजूद हमारे यहाँ 40,000 से 50,000 पॉजिटिव केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं, लेकिन एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, डेथ उतने नहीं हो रहे हैं। तो यह साबित करता है कि वैक्सीन इफेक्टिव होते हैं, इसलिए जरूरी है कि लोग आके आके जितना हो सके वैक्सीन लें। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीन कम से कम कामयाब है इस वेरिएंट के खिलाफ भी, ऐसा अभी तक हम मान के चल रहे हैं? अभी तक तो यही जानकारी है, लेकिन हो सकता है कि हमको अपने वैक्सीन को ट्वीक करना पड़े, थोड़े कुछ चेंजेस करना पड़े, उसकी अभी रिसर्च चल रही है, होपफुली अगले एक दो हफ्तों में वो जानकारी भी आ जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।